सब कैसे हैं एंड वेलकम बैक टू फूड वे टू हार्ट अगेन। तो गाइस, समर अपनी हाई पीक पे है एंड वेजिटेबल मार्केट में सीजनल फ्रूट बहुत ही बहुतायत में आ रहे हैं और इतने एक्सेस में आने की वजह से एक कम रेट में भी मिल रहे हैं। तो यही एक टाइम है जब हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस टाइम वाटरमेलन मार्केट में बहुत अच्छी आ रहे हैं, तो आज हम वाटरमेलन का ही जूस बनाएंगे, लेकिन उसे और ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल बना। चलिए, इसके लिए सबसे पहले एक वाटरमेलन लेंगे। अच्छे से आप मार्केट में इसे टेस्ट करके लें मेरी तरह से। वाटरमेलन पर इस तरह से स्पॉट होगा बाहर की साइड, तो ये अंदर से काफी मीठा होता है। तो लीजिए, सबसे पहले हम वाटरमेलन को काटेंगे एंड इसके पीसेस में इसे निकाल लेंगे। ये हम पीस वाटरमेलन पर यानी कि जूस के ऊपर गार्निशिंग के लिए काट रहे हैं। इसी तरह इसे हम स्लाइसेस में काट लेंगे। फिर हम फिर से इसे हाफ कर लेंगे और इसे पीसेस में पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे। अगेन स्लाइसेस को हम चॉप कर देंगे। इनके सीड्स को आप निकाल भी सकते हैं एंड अगर पीसें तो फिर स्ट्रेनर से छान लें। और लकीली इस वाटरमेलन में ज्यादा सीड हैं भी नहीं। सबसे पहले ये सीड्स को हम निकाल देते हैं एंड फिर इसे पीसेस में हम निकाल लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसे हम कट कर लेंगे। अगर कुछ सीड इसमें ग्राइंड भी हो जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। सिर्फ आप इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें और हमारा जूस रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये वाटरमेलन के पीसेस लिए हैं और इस जूस को और ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें लेंगे ये एक कुकम्बर, साथ में ये छोटा सा हाफ इंच का जिंजर का पीस यानी कि अदरक, और कुछ हमने ली है ये मिंट लीव्स। इससे बहुत अच्छी इसमें महक आएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी ना डालें, कुछ लीव्स ही काफ़ी रहेंगी। अब ये देखिए, हम इसे हम जार में ब्लेंड करेंगे। 2 मिनट में ही आप देखेंगे वाटरमेलन का सारा जूस अलग हो जाएगा। पहले हम बिल्कुल लो पर चलाएंगे और उसके बाद फिर इसे हाई कर देंगे यानी कि मीडियम कर देंगे। अब ये देखिए, 1 मिनट में ही जूस रेडी हो चुका है एंड जूस को हम इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। सारा जो फोक है आप उसे अलग भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो बिना स्ट्रेन किए भी इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी है और वो हमें काफ़ी फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप ना पी सकें तो इस तरह से इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिंट के चंक्स होंगे तो किसी किसी को वो अच्छे नहीं भी लगते हैं, तो आप स्ट्रेन करके ले लें। 1 हाफ नींबू का इसमें हम जूस डालेंगे। इस तरह से हमने लेमन का जूस निकाल लिया है और जो वाटरमेलन के पीस थे उसे गार्निशिंग के लिए ग्लासेस के ऊपर हमने सेट कर दिया है। हमारा ये 2 सर्विंग इससे रेडी हुआ है और अब इसमें हम मिला रहे हैं ये सॉल्ट, जो कि मैं 1/4 टीस्पून लिया है एंड 1 टीस्पून इसमें हम शुगर लेंगे। ये 1 टीस्पून इसमें शुगर हम मिला रहे हैं। मैंने कम डाली है क्योंकि पहले से ही वाटरमेलन काफ़ी मीठा है। साथ में आप इसमें चाट मसाला भी 1/4 टीस्पून डाल लें तो इसका टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाएगा। और ये देखिए, इसे मिक्स कर देंगे और अभी भी हमें कुछ ये चंक्स इसमें मिलाने हैं। जो वाटरमेलन के हमने पीसेस लिए हैं वो इसमें हम डाल देंगे। इसकी गार्निशिंग हम करेंगे वाटरमेलन एंड मस्क मेलन के ये सीड्स जो मेरे पास थे, तो मैंने इनमें डाल दिए हैं।
इससे ये और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड बाय, टेक केयर, सी यू।